Good morning, student of class two. I am a computer teacher, Sonji Sir. Hope you all are fine. As all of you know that uh, I have already completed the syllabus of computer. Okay, so from today I am going to start revision from chapter number one. Okay, computer and electronic device. Okay, chapter number one, uh, computer and electronic device. So let's start you can see the syllabus of uh, third term examination in my previous video i already have discussed about the syllabus chapter number one computer and electronic device chapter number two input uh, output and storage device chapter number six working on MS pen chapter number seven file management chapter number eight tax spent a fun field drawing program and chapter number nine exploring the tax Paint. so this uh, all these chapters which are included in the uh, third term examination so all of you have to read each and ch every chapter very very carefully okay so now move on to the topic here you can see the content of this chapter first is the computer as an electronic device function of an uh, of a computer advantages of using computer and disadvantages of using computer so in this video i am going to discuss about uh, the computer as an electronic device and function of a computer okay so

इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं ओके सम कंप्यूटर वर्क्स इवन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी दैट मींस कुछ कंप्यूटर ऐसा होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तब भी काम करता है दे आर कनेक्टेड टू यूपीएस ओके अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस मींस अन पावर सप्लाई डिवाइस Uh, that गिव्स पावर बैकअप टू द computer कनेक्टेड टू इट दैट मीन्स हम लोग कोई भी कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं अचानक से अगर पावर कट हो जाता है तो क्या होता है कि जो यूपीएस होता है यूपीएस जो डिवाइस होता है वो क्या करता है बैकअप की तरह काम करता है ओके okay? वो क्या करता है कि जो पावर होता है उसको स्टोर करके रखता है उसमें एक बैटरी होता है उससे क्या कर सकते हैं हम लोग जब तक पावर वापस ना आ जाए तब तक वो क्या करता है कंप्यूटर को ऑन रखता है ओके okay? उसी के लिए हम लोग यूपीएस का यूज़ करते हैं ओके यूपीएस मीन्स अन इंटरटेबल पावर सप्लाई ओके नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर यू मस्ट हैव सीन बिग और स्मॉल कंप्यूटर्स एवरी कंप्यूटर डज सम बेसिक फंक्शन लाइक taking in uh, taking in information or instruction as input following the instruction or process and give the result that means input process and output okay so here you can see the image input process and then come output okay so first is इनपुट इनपुट मीन्स वैन वी गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनपुट बोलेंगे उसके बाद जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया उसके ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोसेस बोलेंगे ओके एंड प्रोसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर विल जेनेट ए रिजल्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे ओके द कंप्यूटर आल्सो परफॉर्म अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ़ सेविंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टोरेज बोलेंगे हम लोगों का कम हो गया उसके बाद हम लोगों का जो आउटपुट हो गया वो कंप्यूटर में तो सेव करना होगा उसके लिए हम लोग क्या होता है कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क बोल के ओके उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज इनपुट सो इनपुट इज इनपुट ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज़ डन थ्रू बाई टाइपिंग स्पीकिंग एंड क्लिकिंग दैट मीन्स हम लोग टाइप करके भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं बोल के भी इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को दे सकते हैं लेकिन उसके लिए हम लोगों को माइक्रोफोन चाहिए होता है ओके okay, माइक्रोफोन एक डिवाइस है उसको चाहिए होता है ताकि हम लोग वॉइस इनपुट कर सके अपना ओके नेक्स्ट इज़ क्लिकिंग क्लिकिंग हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग माउस से क्लिक करते हैं ओके माउस क्लिकिंग के जरिए हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड your वॉइस यू कैन यूज द माइक्रोफोन ओके मैंने पहले ही बोला कि अगर आप लोग कंप्यूटर में वॉइस इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा कि माइक्रोफोन यूज करना होगा ओके माइक्रोफोन इज यूज फॉर इनपुट वॉयस इंस्ट्रक्शन ओके इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ समथिंग यू कैन यूज माउस माउस से हम लोग कोई भी चीज आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है ओके नेक्स्ट इज प्रोसेस वेन यू फिनिश गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर टू परफॉर्म एस टाक्स इट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और प्रोसेसिंग इट ओके दैट मीन्स आप लोग जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लोग लो गो कंप्यूटर में देंगे तो क्या होगा कंप्यूटर उसको लेके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोसेसिंग बोलेंगे ओके इफ यू वॉन्ट टू एड टू नंबर्स यू विल टाइप द नंबर्स एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड टू एड दम द कंप्यूटर कंप्यूटर

द रिजल्ट ओके द मैंने पहले ही बोला था कि जब हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बाद उसी इंस्ट्रक्शन को लेके कंप्यूटर काम करेगा उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर विल जनरेट ए रिजल्ट डिजायर रिजल्ट ओके सो आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर विल गिव द रिजल्ट इट इज कॉल्ड द आउटपुट जब भी हम लोगों का कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस करके कुछ भी खत्म कर देगा उसके बाद हम लोगों के पास एक रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे ओके okay.

पेपर दैट मीन्स जो आउटपुट होता है उसको हम लोग कहाँ पे देख पाएंगे मोनिटर के ऊपर देख पाएंगे ओके मोनीटर इज द आउटपुट एग्जांपल ऑफ ए आउटपुट डिवाइस ओके मोनीटर इज द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर ओके आप लोग सबको पता है कि टीवी की तरह दिखता है मोनीटर उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंप्यूटर का स्क्रीन बोलेंगे ओके okay. उसी कॉम्प जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर का जो है मॉनिटर होता है उसमें हम लोग आसानी से कोई भी आउटपुट हम लोग देख सकते हैं और यू कैन प्रिंट द आउटपुट ऑन ए पेपर आप लोग प्रिंटर से प्रिंटर एक डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस होता है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं ऑन ए पेपर पेपर के ऊपर प्रिंट भी कर सकते हैं आउटपुट को ओके सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ़ बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज ओके इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो